नमस्कार। आज हम रक्त पित्त निदान के बारे में यह अध्याय का पठन करेंगे और उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ब्रह्म दक्षाश्वि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृति भ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक पर संस्कृत ही मदोवाक्काय दोषाणाम हरते ही पतये नमः। चरक को और अग्निवेश आदि सबको ऋषियों को नमन करके हम अभी रक्त पित्त निदान अध्याय अथ से इति तक पढ़ेंगे। द्वितीय अध्याय अथा तो रक्त पित्त निदानम व्याख्यास्यामः इतिहस्मः भगवान अत्रेयः। ये द्वितीय अध्याय है और इसमें रक्त पित्त का निदान की व्याख्या की है। जैसा भगवान अत्रेय ने कहा था वैसा हम कह रहे हैं। पित्तम यथाभूतम लोहित पित्तम इति संज्ञाम लभते तद व्याख्यास्यामः। पित्त को जिस प्रकार से रक्तपित्त ये संज्ञा प्राप्त होती है, ये जो जिस प्रकार का व्याधि है उसका हम यहाँ पे व्याख्यान करेंगे। अब यहाँ पे पित्त को रक्तपित्त ये संज्ञा कैसे प्राप्त होती है, इसके लिए आगे 5 नंबर के सूत्र में उसका विवरण है, इसलिए मैं इसका विस्तार यहां नहीं करूंगा। पहले हम 4 नंबर का सूत्र देख लेते हैं। 4 नंबर के सूत्र में हेतु है। उन हेतुओं से पहले हम चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 4 जहां रक्तपित्त चिकित्सा का वर्णन किया है, उसमें रक्तपित्त का कुछ वर्णन किया है। वो कहते हैं महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्र कार्य च हेतु लक्षण विच शीघ्रम रक्तपित्तम उपाचरित। महागदम, ये महागदम मतलब बहुत बड़ा व्याधि है। महावेगम, इसका वेग भी बहुत है। अग्निवत शीघ्र कार्य, जैसे अग्नि शीघ्रवत नाश कर देता है वैसे ही ये शीघ्रवत शरीर का नाश कर सकता है। हेतु लक्षण विच शीघ्रम रक्तपित्तम उपाचरित, इसलिए ये महागद है, ये महावेग है, अग्निवत शीघ्रकारी है, इसलिए हेतु और लक्षणों को जानने वाले वैद्य ने इसकी त्वरित चिकित्सा करनी चाहिए। और इसके बाद में उसकी संज्ञा बता रहे कि इसको रक्तपित्त क्यों कहते हैं। संयोगात दूषणात तत्तु सामान्यात गंधवर्णयो हो रक्तस्य पित्तम आख्यातम रक्तपित्तम मनीषी भी। संयोगात दूषणात, संयोगात मतलब रक्त से संयोग से, और दूषणात, दूषणात मतलब पित्त से रक्त दुष्ट होने से, और सामान्य गंध वर्णयो हो पित्त और रक्त का दोनों का गंध और वर्ण समान होने से इसको रक्तस्य पित्तम ऐसी संज्ञा प्राप्त होती है। रक्त पित्त में संज्ञा इसको प्राप्त होती है। अब इसके लिए ऐसा क्यों होता है, इसकी संप्राप्ति यहाँ पे बताइए। अब संप्राप्ति और हेतु देखने से पहले हमें एक सूत्र का ध्यान करन रखना चाहिए हमेशा, रक्तपित्त के समय में, कुष्ठ के समय में और प्रमेह के समय में। ये संप्राप्ति से पहले हमें एक सूत्र ध्यान में रखना चाहिए, वो है सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 46 सूत्र नंबर 527। ये सूत्र है अविदग्धः कफम पित्तम विदग्धः पवनम पुनः सम्यक विपक्वो निस्सारहा आहारहा परिभ्रूहये। इसका अन्वय ऐसा है, ये सूत्र अवस्थापाक का है। इसका सूत्र का अन्वय ऐसा है, अविदग्धः कफम अविदग्धः आहारहा कफम परिभ्रूहये। अविदग्धः आहारहा कफम परिभ्रूहये, परिभ्रूहये इसका अर्थ है अतिशयन वर्धय। और जो अविदग्ध आहार मतलब मधुर अवस्थापाक में जो आहार है वो श्लेष्मा का पोषण करता है। विदग्धः अम्लीभूतः आहारः पित्तं परिब्रूहयेत्, विदग्ध हुआ मतलब अम्लावस्थापाक में आया हुआ आहार पित्त का पोषण करता है। और निर्गता सारः निस्सारः आहारः रौक्षेण पवनं परिब्रूहयेत्, तो वायु पोषण करता है। अब ये इसका अन्वय हो गया। अब इसका अभिप्रेत अर्थ क्या है कि ये अवस्थापाक है, आहार ये पंचभौतिक है। पंचभौतिक आहार शरीर में जाने के बाद उसका चर्वण होता है, दंत से लेके अंदर जाने तक चर्वण होके उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और फिर अब आहार आमाशय में जाने के बाद उसके पंचभौतिक विघटन शुरू हो जाता है। ये पंचभौतिक विघटन में सर्वप्रथम पार्थिव और आप्य परमाणुओं का विघटन पहले होता है, और इसलिए वो स्थान श्लेष्मा का है, क्योंकि श्लेष्मा के महाभूत पार्थिव और आप्य है। ये पार्थिव और आप्य विघटन होने के बाद अब शेष बचा पार्थिव और अब आगे वाले अग्नेय घटकों का विघटन शुरू हो जाता है, इसलिए इसको अम्ल अवस्थापाक कहते हैं। अम्ल मतलब पार्थिव और अग्नेय, और फिर शेष बचे अग्नेय, और फिर रेश और बचे हुए वायवीय परमाणु
इनका विघटन शुरू हो जाता है, इसलिए कटु उसको कटु अवस्थापाक कहते हैं। कटु का अर्थ है वायवीय और अग्नि। ये अवस्थापाक रसों के नहीं है, ये अवस्थापाक महाभूतों के हैं। इसलिए तिक्त कषाय और लवण अवस्थापाक नहीं है, सिर्फ मधुर अम्ल और कटु अवस्थापाक ही है, क्योंकि ये रसों के नहीं है, इनसे अभिप्रेत अर्थ महाभूत है। मधुर अवस्थापाक इसका अर्थ है उस अवस्था में आहार के पार्थिव और अप्य महाभूतों का विघटन हो रहा है। अम्लावस्थापाक का अर्थ है उस अवस्था में आग्नेय और पार्थिव महाभूतों का विघटन चल रहा है। और कटु अवस्थापाक का अर्थ है उस अवस्था में वायवीय और आग्नेय महाभूतों का विघटन चल रहा है। ऐसे इनके तीन अवस्था है, अवस्था में होता है, पचन होता है, इसलिए इसको अवस्थापाक कहते हैं। और ये पूरा अवस्थापाक होने के बाद जो पांचभौतिक विघटन से भूय स्तर जो उत्पन्न होता है उसको विपाक कहते हैं। और ये विपाक और अवस्थापाक में फर्क है। इसलिए अब ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि शरीर में सार किट विभाजन ये इस अवस्थाओं में होता है। और शरीर में जो क्लेद निर्माण होगा, जो आप्य भाव निर्माण होगा, वो मधुर अवस्थापाक में निर्माण होगा। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति अतिरिक्त मात्रा में मधुर और आप्य सेवन करता है तो क्या होगा, उसका पार्थिव और आप्य महाभूतों का विघटन अतिरिक्त मात्रा में होगा, उसका मधुर अवस्थापाक ज्यादा मात्रा में होगा और उसका शरीर में क्लेद अति मात्रा में निर्माण होगा। क्लेद अति मात्रा में निर्माण होने से उसके शरीर में अतिरिक्त क्लेद का संचार होगा और फिर धीरे 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 अभिशन्द की अवस्था निर्माण होती है। यही संतर्पण जन्य अभिशन्द की अवस्था है। ये ध्यान में रखते हुए हम आगे जाएंगे, क्योंकि यही क्लेद, बड़ा हुआ क्लेद पित्त के ऊष्मा से सारे धातुओं से वो निकलता है और नजदीक के मार्ग से रक्त को लेके बाहर निकलता है, इसको रक्त पित्त कहते हैं। अब ये जो संप्राप्ति है ये बताइए चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 4 में, वो पहले हम देख लेते हैं। तई ही हेतु भी ही समुत्कृष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते। रक्तम प्रपद्यते की टीका है, रक्तम प्रपद्यते इति रक्तम गच्छति। रक्तम प्रपद्यते रक्तम गच्छति मतलब पित्त का स्थान रक्त है, फिर भी पित्त विशेषतः रक्त के रक्तव स्रोतस में जाता है। पित्त का गमन तो है रक्तव स्रोतस में, पर ये इन हेतुओं से, जो हेतु वर्णन किया हम आगे देखने वाले क्या हेतु है, इन हेतुओं के वजह से समुत्कृष्टम पित्तम, बड़ा हुआ और दुष्ट हुआ पित्त रक्तव स्रोतस में जाके स्थान संश्रय लेता है। तद योनित्वात् प्रपन्नम च वर्धते तद प्रदूषयत्। अब इनकी दोनों की योनि एक है और पित्त रक्त की योनि है, आश्रय भाव में रक्त का आश्रय पित्त है और इसके कारण प्रपन्नम रक्त भी अति मात्रा में बढ़ जाता है और वर्धते रक्त भी बढ़ता है पित्त भी बढ़ता है दोनों के एक साथ मिश्र होने से। और तत्प्रदूषयत रक्तम प्रदूषयत, पित्त के कारण रक्त बढ़ जाता है, रक्त विकृत हो जाता है। पहले तो वर्ध मात्रा में बढ़ता है और फिर पित्त के कारण रक्त दुष्ट होता है। देखिए एक नियम यहाँ ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी दुष्य डायरेक्ट दुष्ट नहीं होते हैं। दुष्य दुष्ट होने के लिए दोष विकृत होने आवश्यक है, दोषों की विकृति से ही दुष्य दुष्ट होते हैं। और फिर क्या होता है आगे, तस्य उष्मणः द्रवो धातुः धातोर धातोर प्रसिच्यते। तस्य उष्मणः मतलब इनके उष्मा के कारण द्रवो धातु मतलब शरीर का जो द्रवांश है वो धातोर धातु मतलब हर धातुओं में से, धातोर धातु की टीका है मांसा देह मतलब रस रक्त मांस अस्थि मेद मज सारे जितने द्रव धातु लसिका वसा इनमें जो द्रवांश है मतलब जो उदक है वो क्या होता है प्रसिच्यते। प्रसिच्यते मतलब स्विद्यतः प्रसिच्यते, ऐसा नाम है स्विद्यता प्रसिच्यते, इसका अर्थ है अतिक्षरति तेन पित्तोष्मणा स्विद्यमान धातुभ्यः च्युतेन द्रवरूपेण धातुना युक्तम सपित्तम भूयः अतितरम वृद्धिम गच्छति इति योजना। ये चक्रपाणी कहते हैं। अब इसका मैं अर्थ बताता हूँ। क्या होता है, पित्त के उष्मा से एक तो हेतुओं से पित्त बढ़ा, वो रक्त में रक्तव स्रोतस में गया, रक्तव स्रोतस में जाने से रक्त वृद्ध हो गया, पित्त वृद्ध हो गया, दोनों एक में मिश्र हो गए और वृद्ध हो गए और इसके कारण पित्त बढ़ गया रक्त बढ़ गया। अब पित्त के दुष्ट के कारण रक्त दुष्ट हो जाएगा और इसके बाद दोनों के उष्मा के कारण सारे शरीर के जो धातु है उनमें जो द्रवांश है वो शरीर उन धातुओं से निकल जाता है। स्विद्यतः जैसे स्वेदन होता है और स्वेदन से गर्म बिंदु बाहर निकलते हैं, स्वेद प्रवर्तन होता है,
उस प्रकार पित्तोरक्ता की उष्मा से सारे शरीर के धातुओं से जो द्रवांश है वो उनमें से बाहर निकलता है और वो पित्त और रक्त को साथ लेके शरीर के उसके नजदीक मार्ग से बाहर निकलता है, इसको रक्त पित्त कहते हैं। ये इसकी संप्राप्ति है। अब हम जाएंगे रक्त पित्त निदान अध्याय सूत्र नंबर 4, जहां पे हेतु और संप्राप्ति विस्तार से फिर से बताइए। मैं पहले सूत्र पढ़ता हूं। यदा मतलब जब जंतु मतलब कोई प्राणी मात्र या मनुष्य मात्र यवक उद्दालक कोरदूष प्रायाणी अन्नानी भुंगते क्षुद्र धान्य सेवन करता है, भ्रूष उष्णम तीक्ष्णम अपि च अन्यत अन्न जातम भ्रूष भुंगते, ऐसा भी कोई अन्य आहार जात आहार का प्रकार है जो उष्ण और तीक्ष्ण गुण का है उसका बार बार सेवन करता है। निष्पावमाश कुलत्थ सूप क्षार उपसंहितम, निष्पावमाश कुलत्थ क्षार इनका अतिरिक्त मात्रा में सेवन करता है। दधि दधिमंड उदश्वित कटवर अम्ल कांजी को उपसेकम, दधि मतलब दही, दधिमंड दधिमंड का अर्थ है मस्तु, उदश्वित का अर्थ है निर्जलम तक्रम अर्धजलम तक्रम इसको कहते हैं उदश्वित, और कटवर कटवर मतलब निर्जलम तक्रम, ऐसे तक्र के या दधि के प्रकार बार बार सेवन करता है, अम्ल कांजिक सेवन करता है, वाराह माहिष आविक मात्स्य गव्य पिषितम इन प्रकार के मत्स्य मांसों का सेवन करता है, पिण्याक पिंडालु शुष्क शाक उपहितम मूलक सर्षप लशुण करंज शिग्रु मधुशिग्रु खड़यूष भूस्तृण सुमुख सुरस कुठेरक गंडीर कालमालक परणास यवक्ष शवक फणिंजक उपदंशम इनके शाक सेवन करता है। अभी देखिए आज इनमें से बहुत द्रव्य ज्यादा द्रव्य लोग सेवन नहीं करते, फिर भी इनसे हमें क्या लेना है, जो संतर्पण करने वाले हैं और संतर्पण के साथ पित्त दुष्ट करने वाले पित्त वृद्ध करने वाले और रक्त दुष्ट करने वाले हेतु सेवन करता है। यहाँ पे दो शब्द है, एक है खड़यूष, खड़यूष की टीका है शिवदास सेन की, वो है खड़ो द्विविधा, दो प्रकार का खड़ होता है, एक सतक्र शमिधान्य मतलब शमिधान्य के साथ तक्र और दूसरा सतक्र शाक शाक के साथ तक्र, श उसमें उसका वर्णन करते हैं, तद तदि आद्या मतलब जो पहला प्रकार है सतक्र शमी में स शमिधान्यान स स्नेहयान स अम्लान सांग्राहिकान खड़ा मतलब तक्र में शमिधान्य डाल के उसका यूष बनाया तो उसको सतक्र शमिधान्य खड़यूष कहते हैं। और दूसरा जो है तक्रम कपित्थ चांगेरी मारचा आजाजी चित्रकई सुपक्वा खड़यूषम मतलब शाक वर्ग में तक्र डाल के उसका यूष बनाया तो उसको सतक्र शाक खड़यूष कहते हैं। ऐसे दो प्रकार बताए शिवदास सेन ने अपने टीका में, ये खड़यूष है। और उपदंश का अर्थ है जिसको आज हम चटनी कहते हैं, उपदंश की टीका है चक्रपाणि दी है, उपदंशम इति मूलकादीनी खादयित्वा यावकादि अन्नम भुंगते उसका चूर्ण करके उसमें अदरक नमक ऐसे शाकव या कृतान्न वर्ग डाल के उसका सिद्ध किया हुआ जिसको चटनी कहते हैं। आज अलग विविध प्रकार के चटनियां मिलती है, जो मिलते हैं उसको उपदंश कहते हैं। ये बार बार सेवन किया, सुरा सौवीर तुषोदक मैरेय मेदक मधुल शुक्त कुवल बदर अम्ल प्राय अनुपानम और इनको ऐज आहार के अनुपान में विविध प्रकार के मध्य सेवन किए। पिष्टान्नोत्तर भूष्टम आहार कैसा है, पिष्टान्न भूष्ट है, पिष्टान्न इसका मतलब जिस जिस पदार्थ में पीठ डाला हुआ है, मतलब पीठ मतलब क्या का रोटी भाकरी जवार की रोटी बाजरे की रोटी या कोई जिसको हम क्या कहते हैं तंदूरी रोटी कहते हैं या बिस्किट है वड़ा पाव है बाद में समोसा है कचौरी है जिस जिसमें पीठ डाला हुआ है या फिर लेज है कुरकुरे है जो पीठ से बनते हैं या पीठ डाल के कोई सब्जी बनाई है इन सारे सभी आहार में पीठ डाला हुआ है इसको कहते हैं पिष्टान्न। पिष्टान्न मतलब सिर्फ मीठा अन्न नहीं पीठ अन्न। उष्णाभितप्तो वा अतिमात्रम अतिवेलम वा आमम पया पिबति उष्ण से अभितप्त है उष्ण गुण से तप्त है वो व्यक्ति और बाहर धूप में से बाहर आया और तुरंत उसने ठंडा पानी पी लिया तो यह रक्त पित्त का हेतु है। या फिर अतिमात्रम वा आमम पया पिबति आमम मतलब बिना उबाला हुआ अतिमात्र में अति बार 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 अतिमात्र में वो आम पय पीता है। पयसा सबष्टति रोहिणीकम रोहिणी नाम का शाक है जो तीक्ष्ण गुण का है वो दूध के साथ सेवन किया।
कर्ण कपोतम व सरषप तैल क्षार सिद्धम, सरषप तैल के क्षार और क्षार के साथ कर्ण कपोत का मांस सेवन कर। अभी ये आज कोई सेवन नहीं करता, पर इस प्रकार के गुणों के आहार अगर सेवन कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए। कुलत्थ पिण्याक जांबव लकुच पक्वही शौक्तिक ही वा, शौक्तिक का अर्थ है बद्रीफल, बद्रीफल से बना हुआ मद्य, इनका सेवन किया, इनके साथ दुग्ध सेवन किया और वो कैसा उष्णा भी तप्त ऐसा सेवन किया, ऐसे इस प्रकार के। अब सारे हेतु अगर देखेंगे हम तो तीन प्रकार हमें मिलते हैं, एक पित्त वृद्ध करने वाले, दो संतर्पण करने वाले और तीन रक्त दुष्ट करने वाले, ये हेतु है। इन हेतुओं से क्या होता है, पित्तम प्रकोपम आपद्यते, पहले पित्त का प्रकोप होता है, लोहितम च स्वप्रमाणम अतिवर्धते, और दुष्य जो है रक्त वो अति मात्रा में बढ़ता है, तस्मिन प्रमाण अतिवृत्ते पित्तम प्रकोपितम। अब इनके साथ शरीर में संतर्पण से मधुर आहार से मधुर अवस्था पाक बढ़ा हुआ है, शरीर में क्लेद बढ़ा हुआ है और ये क्लेद पित्त और रक्त में भी बढ़ा है, और पित्त के उष्मा से और रक्त के उष्मा से सारे धातुओं में से द्रवांश वहां पे प्रसिचन होके वहां पे उनके साथ आया है। अब ऐसा द्रवयुक्त पित्त, द्रवयुक्त रक्त और सारे धातुओं से निचोड़ के आया हुआ द्रव, यह क्या होता है कि प्रमाणातिवृत्त पित्तम, ये प्रमाणातिवृत्त से पित्त शरीरम अनुसर्पत, शरीर में फैलता है, शरीर में धीरे 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 फैलता है। अब ये फैलता शरीर में संचय अभी तक रक्त पित्त नहीं हुआ है, जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे अगर ये आमाशय में जाएगा तो अम्ल पित्त होगा, अगर ये मूत्रवह में जाएगा तो प्रमेह करेगा, अगर ये स्वेदवह रसवह में गया तो कुष्ठ करेगा, अगर ये नेत्र में गया तो नेत्र के विकार करेगा, शिर में गया तो शिरो पित्त शिरो विकार करेगा, अगर ये पित्त रक्त से शिरो विकार करेगा, अगर ये पाद प्रदेश में गया तो उस वहां के व्याधि करेगा, अगर ये किडनी में गया वृक्क में गया तो वृक्क के विकार करेगा, ये अगर यकृत में गया तो यकृत के विकार करेगा। अगर ये ऐसा संचार करते हो, जैसे अभी एक सवाल आया है कि अम्ल पित्त के कब होगा क्या, हाँ जरूर होगा, अम्ल पित्त भी हो सकता है, पर स्थान संश्रय आमाशय में लेना चाहिए उसने। अगर ऐसा संचार करता हुआ शरीरम अनुसर्पति, यदि अगर ऐसा संचार करता हुआ वो अगर यकृत प्लीह प्रभव लोहित वहनाम सोतसाम लोहित अभिशंदी गुरुणी मुखानी असाध्य। अब यहाँ पे आपके सामने सूत्र होगा तो देखने के लिए आसान रहेगा, मुख का अर्थ स्रोतस है, मुख का अर्थ यहाँ पे माउथ ऐसा नहीं है, स्रोतस है। तो ऐसा संचार करता हुआ बड़ा हुआ रक्त, बड़ा हुआ पित्त, दुष्ट हुआ पित्त, उसके साथ उसका दुष्ट हुआ और वृद्ध हुआ रक्त, सारे द्रव धातुओं से द्रवांश लेके आया हुआ, क्लेद बड़ा हुआ है, इसमें क्लेद मिश्र हुआ है, ऐसा संचार करता हुआ ये सारा जो मिश्र भाव है, ये अगर यकृत प्लीह प्रभाव ऐसे रक्तव सोदस में आता है, रक्तव सोदस में आता है, तो क्या करता है, पहले ही वो सोतस क्लेद से युक्त है, रक्त भी दुष्ट है, और लोहित अभिशंदी गुरुणी, इसकी टीका है, लोहित अभिशंदी गुरुणी इति प्रवृद्ध लोहित सेंदेन गुरुणी गुरुणी उत्सन्नानी, या उपचय करणारी उपभ्रोहण करने वाली, ऐसा वो अब पहले ही वो सेंद मतलब क्लेद से उपभ्रूहित है, पहले ही वो दुष्ट रक्त से उपभ्रूहित है, वो जो रक्त वो सोदस है वो युक्त है, ऐसे इसमें आकर मुखानी असाध्य, असाध्य का अर्थ है स्थान संश्रय, मुखानी मतलब स्रोतस, ऐसे रक्त व सोदस में वो आके स्थान संश्रय लेते हैं और प्रतिरुंध्यात और फिर शरीर से बाहर निकलते हैं, तदेवम लोहितम दूषयति, ऐसे इसमें जब वो स्थान संश्रय लेता है तब वो बड़ा हुआ पित्त रक्त को दुष्ट करता है, इसलिए और फिर नजदीक के मार्ग जहां पे नजदीक का मार्ग है उसका वहां से वो बाहर निकलता है, इसको रक्त पित्त कहते हैं। अब आगे कहते हैं, संसर्गात लोहित प्रदूषणात लोहित गंध वर्ण अनुविधानाच पित्तम लोहित पित्तम इति आचक्षते, सूत्र नंबर 5 है। संसर्गात मतलब पित्त का रक्त से संसर्ग हुआ है, वो उसका संबंध हुआ है, संसर्गात की टीका है, संसर्गात इति लोहित संबंधात, लोहित प्रदूषणात पित्त ने रक्त को दुष्ट किया है, और लोहित गंध वर्ण अनुविधा, ये दुष्ट होने के बाद दोनों आपस में मिश्र होते हैं और रक्त का वर्ण और रक्त का गंध पित्त को प्राप्त होता है, ऐसे इस जो संसर्ग ऐसा उनका होता है उसको लोहित पित्त या रक्त पित्त कहते हैं। अब चक्रपाणि ने इसकी तीन व्युत्पत्तियां दी है टीका में। पहली व्युत्पत्ति है रक्त युक्तम पित्तम रक्त पित्तम, रक्त से युक्त हुआ पित्त इति रक्त पित्त, ये प्रथम निरुक्ति है। दूसरी निरुक्ति है रक्ते दुष्ये
पित्तम, पित्त से दुष्ट हुआ, रक्त में दुष्ट हुआ पित्त, मतलब रक्त वह में आया हुआ दुष्ट पित्त, इसको रक्त पित्त कहते हैं। और तीसरी व्युत्पत्ति है रक्तवत पित्तम इति रक्त पित्त, मतलब रक्त जैसा पित्त दिखाई देता है उसको, ये तृतीया उसको रक्त पित्त कहते हैं। अब इसके बाद इसके पूर्व रूप बताएं सूत्र नंबर 6 में। ये पूर्व रूप किन के हो गए? जब स्थान संश्रय लेगा पित्त रक्त वह में, तब ये इसके पूर्व रूप दिखाई देंगे। अभी तक रक्त प्रवर्तन शुरू नहीं हुआ है, रक्त और पित्त का प्रवर्तन, यहाँ पे सिर्फ रक्त प्रवर्तन नहीं है, पित्त से दुष्ट हुआ रक्त का प्रवर्तन है या पित्त से युक्त हुआ रक्त का प्रवर्तन इसमें से हो रहा है। इसलिए अब इसके पूर्व रूप क्या है? तो पूर्व रूप है अनन्नाभिलाषा। अब ये सारे दोष के पूर्व रूप है, दोष बताने वाले पूर्व रूप है कि ये संतर्पण से होने वाला है, ये आम प्रदोष से होने वाला है, ये पित्त वृद्ध से होने वाला है, ये रक्त दुष्ट से होने वाला है। इसके लक्षण है, अभी तक व्याधि नहीं हुई है, अभी तक पित्त ने रक्त को दुष्ट नहीं किया है, पर दोनों वृद्ध है, दोनों बड़े हुए हैं, दुष्ट हुए हैं, अभी तक बाहर नहीं निकल रहे। तो लक्षण क्या क्या है? अनन्नाभिलाषा, भुक्तस्य विदाह, जो खा रहे हैं उसका विदाह हो रहा है। शुक्त अम्ल गंध रस उद्गारा, जो उद्गार आएगा उसको शुक्त या अम्ल गंध रस होगा। छर्दे है अभिक्षणम आगनम, बार बार छर्दी होगी। छर्दी तस्य बिभत्सता, छर्दी में बिभत्सता मतलब जो दिखाई देगा वैवर्ण और वैगंध्य होगा उससे वो बिभत्स दिखाई देगी छर्दी। स्वरभेद, स्वरभेद ये रक्त पित्त में अवश्य होने वाला उपद्रव भी है और पूर्व रूप भी है। गात्राणाम सदनम, गात्र अंग दौर्बल्य गात्र सदन होगा। परिदाह, सर्व शरीर में दाह होगा। मुखा धूम आगम इव, मुख से जैसे धूम आ रहा है इस प्रकार की उसकी वेदना होती। लोहित लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम इव आस्यस्य, ये मुख में इसके इसका गंध उत्पन्न होगा। रक्त हरित हरिद्र त्वंग न अवयवः शक्रुन मूत्र स्वेद लाला सिंघाणक आस्य कर्णमल पीड़का पीड़कोलिका पीड़काना। अब यहाँ पे एक विशेष लक्षण दिया है कि सारी त्वचा, सारे शरीर के अवयव, शक्रुत मूत्र स्वेद लाला सिंघाणक मतलब नासामल कर आस्यमल कर्णमल पीड़कोलिका इसका अर्थ है नेत्रमल और शरीर के विविध सारे त्वचा, ये सारी कैसी होती है? हरिद्र हरिद्र होती है, हरित वर्ण की होगी या हरिद्र वर्ण मतलब पीली होगी या हरित वर्ण होगी। अब ये क्यों बताया है लक्षण? संप्रप्ति तो रक्त वह में है पर दुष्ट हुआ पित्त और उसका दुष्य रक्त ये सारे शरीर में संचार करेंगे, सारे शरीर में संचार करते हुए उसके लक्षण वहां पे दिखाई देंगे और जो जिस स्रोत में जाएंगे उस स्रोत के वो व्याधि करेंगे। अब आगे का लक्षण है अंग वेदना, अंग वेदना मतलब अंगमर्द। लोहित नील पीत शावानाम अर्चिष्मताम च रूपाणाम स्वप्न दर्शनम, स्वप्न में वो लाल रंग के नीले रंग के पीले रंग के शाव रंग के और जैसे अग्नि दिखाई, जैसे अग्नि का वर्ण है उस प्रकार के उसको नाना विध दृश्य दिखाई देते है, ये रोहित पित्त के पूर्व रूप है। उपद्रव क्या है? उपद्रवातु खलु दौर्बल्य अरोचक अविपाक श्वास कास ज्वर अतिसार शोफ शोष पांडुरोगः स्वरभेदश्च। अब यहाँ पे इतने सारे उपद्रव बताए हैं, ये उपद्रव क्या क्या है? दौर्बल्य है, अरोचक है, अविपाक है, श्वास है, कास है, अतिसार है, ज्वर है, शोफ शोष और पांडुरोग है। और इन बताने के बाद स्वरभेदः च बताया है, ये ऐसा वर्णन अलग से क्यों किया? इसलिए चक्रपाणी कहते हैं स्वरभेदः च इति पृथक पाठेन स्वरभेदस्य प्रायोभावः। स्वरभेद उपद्रव स्वरूप रक्त पित्त में होता ही है, यह अवश्यंभावी है उपद्रव स्वरूप में, इसलिए इसका अलग से वर्णन किया है। अब यह उपद्रव जब पूरे के पूरे, ये ऐसा नहीं कि सारे उपद्रव निर्माण होंगे, इसमें से कोई एक उपद्रव स्वरभेद तो होगा ही और इसके साथ और कोई उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, वो जहां स्थान संश्रय लेगा। उपद्रव मतलब क्या है? रोगाश्रयो एव लक्षण, आश्रय का अर्थ है रोग जिन दोषों ने उत्पन्न किया है उन्हीं दोषों से अन्य स्रोतसों में अलग प्रकार के लक्षण उत्पन्न होगा, क्योंकि दोष कभी भी एक जगह रुकते नहीं है, वो नित्य संचार अवस्था में है। ये हेतुओं से वृद्ध हुआ दुष्ट हुआ पित्त और दुष्ट और वृद्ध हुआ रक्त सिर्फ रक्तव में नहीं है, वो समुचित शरीर में है। रक्तव में अके वो रक्त पित्त करेंगे पर वो सर्व शरीर में जाएंगे, जहां जाएंगे
वहां का उपद्रव, अगर ये प्राणवायु में जाएंगे तो श्वासकास करेंगे, अगर ये पुरुष वायु में जाएंगे तो अतिसार करेंगे, अगर ये रसस वेद वायु में जाएंगे तो ज्वर करेंगे, कुष्ठ करेंगे, अगर ये अग्नि वायु में जाएंगे तो अरोचक विपाक करेंगे, अगर ये रस वायु में जाएंगे तो शोष करेंगे, रक्त वायु में तो आए हैं तो उसके पांडु वगैरह उपद्रव निर्माण करेंगे। इसलिए ये उपद्रव मतलब जो दोष दुष्यों ने एक व्याधि किया है वही दोष दुष्य सर्व शरीर में संचार करते हुए अन्य स्रोतों में जाके जो लक्षण उत्पन्न करते हैं उसको उपद्रव कहते हैं। अगर ये सारे उपद्रव उत्पन्न होंगे तो ये असाध्य की तरफ जाएगा। अब आगे कहते हैं, सूत्र आगे का है, सूत्र नंबर 8, मार्गौ द्वौ पुनः अस्य। इसके दो मार्ग है बाहर निकलने के, ऊर्ध्व और अध। तद बहुश्लेष्मणि शरीरे श्लेष्म संसर्गात ऊर्ध्वम प्रतिपद्यमानम कर्ण नासा नासिका नेत्र अस्येभ्यः प्रश्चवते। अब जिसमें रक्त और पित्त को श्लेष्म का संसर्ग होगा, बहुश्लेष्मा भी मतलब हेतु बहुश्लेष्मा के भी होंगे, पित्त को श्लेष्मा का अनुबंध होगा, अब इसको कहते हैं प्राधान्य संप्राप्ति। तरतम तो बता रहे, तमत्व से कौन है, पित्त है, और तरत्व से कौन है, अभी श्लेष्मा है। इसलिए बहुत मतलब पित्त और रक्त तो है ही वृद्ध, इसके साथ में जब श्लेष्मा बहु मात्रा में होगा वो भी वृद्ध होगा, तो श्लेष्मा के संसर्ग से कर्ण नासिका नेत्र अस्य से ऊर्ध्व मार्ग से ये रक्त पित्त बाहर निकलेगा। बहु आते तो जब दूसरी अवस्था बता रहे, जब वायु के आधिक्य होगा, ये उसकी दूसरी प्राधान्य संप्राप्ति है, जब वायु का आधिक्य होगा रक्त और पित्त के साथ तो शरीरे वात संसर्गात अधः प्रतिपद्यमानम मूत्र पुरुष मार्गाभ्याम प्रश्चवते। तो ये अधो मार्गगम्य होके मूत्र और पुरुष के साथ बाहर निकलता है, कौन, रक्त और पित्त। अगर तीसरी अभी तीसरी संप्राप्ति बहुश्लेष्मवात है, रक्त और पित्त के साथ श्लेष्मा और वायु के भी वृद्ध है, दोनों वृद्ध है, मतलब तीनों दोष वृद्ध है और रक्त दुष्ट है, ऐसा अगर होगा तो श्लेष्मवात संसर्गात द्वौ अपि मार्गौ प्रतिपद, दोनों ऊर्ध्वाधो दोनों मार्ग से बाहर निकलेगा। तौ मार्गो प्रतिपद्यमानम सर्वेभ्य एव यथोक्तेभ्य खेभ्य प्रश्चत, और इसके साथ सर्व शरीर के सारे लोमो कूप से भी ये रक्त पित्त बाहर निकलेगा। यह असाध्य की अवस्था है, दोनों मार्ग से जाएगा और खेभ्य सारे शरीर में जो खे मतलब स्रोतस है उनमें से ये बहिर्गामी मतलब जो लोम कूप है उनमें से ये बाहर निकलेगा। अब आगे कहते हैं सूत्र नंबर 9 में, तत्र यद ऊर्ध्वभागम तत् साध्यम, इसमें से जो ऊर्ध्वभाग से निकलेगा सिर्फ वो साध्य है। क्यों? क्योंकि विरेचन उपक्रमणीयत्वात् बहु औषध, उसका विरेचन ये उपक्रम है और उसके औषध भी बहुत है। यद अधोभागम, इसका विस्तार से वर्णन आगे किया है, यद अधोभागम तद याप्यम, जो अधोभाग से है सिर्फ वो याप्य है क्योंकि उसका वमन उपक्रम है और उसके औषधियां कम है, मतलब ऐसा वमन जो पित्त के लिए उपयोग है ऐसे औषधि कम है, इसका वर्णन आगे है। यद उभय भागम तद असाध्यम, जो उभय भाग से जाएगा वो असाध्य है क्योंकि वमन विरचन अयोगित्वात, उसमें आप चिकित्सा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों मार्ग से, तो आप वमन भी नहीं कर सकते विरचन भी नहीं कर सकते, और अनौषधत्वात, इसके कोई शमन औषध भी नहीं है। अब आगे सूत्र में कहते हैं, सूत्र नंबर 10, रक्त पित्त प्रकोपस्तु खलु पुरा दक्ष यज्ञोध्वंसे रुद्रकोप अमर्षाग्निना प्राणिनाम परिगत शरीर प्राणानाम अभिभवत ज्वरम अनु। मतलब पूरा मतलब प्रथमता कब उत्पन्न हुआ, जब दक्ष के यद्वांग के उद्भवंस में शंकर जी ने क्रोध को या जीवाणु को निर्माण किया, क्रोध रूपी जीवाणु जो त्रिपाद त्रिशिरा रस्वजंगा उधर ऐसा स्वरूप का जो जीवाणु है उसको उत्पन्न किया, उससे ज्वर पहले उत्पन्न हुआ, इस ज्वर के संताप से उसके बाद में उन लोगों में रक्त पित्त उत्पन्न हुआ। तस्य आशु कारण, अब ये संताप से कैसे उत्पन्न हुआ, ज्वर से संताप से सारे धातुओं का जो द्रवांश है वो स्विद्धता परिसिच्छते, स्विदन जैसे स्विदन से गर्म उत्पत्ति होती है वैसे उसके ऊष्मा से सारे धातुओं में से जो द्रवांश है वो बाहर निकल आया और फिर नजदीक के मार्ग से बाहर निकल गया, शरीर के बाहर से निकल गया, इसलिए रक्तपित्त ज्वर के बाद रक्तपित्त उत्पन्न हुआ प्रथमता कृत योग में, इसका वर्णन। तस्य आशु कारिण, ये आशु कार्य है, पहले हमने देखा कि महागदम है, महावेगम है और अग्निवश शीघ्र कार्य है और आशु कार्य है, इसलिए जैसे दावाग्नि है इव, दावाग्नि मतलब जैसे जंगल में जो आग लगती है इसको दावाग्नि कहते हैं, दावाग्नि है इव आपतितस्य, आपतित मतलब अभी ये आके पड़ा है, आपतितस्य अत्येकस्य, अभी उत्पन्न तो हुआ है पर ये अत्येक अवस्था है। कई लोग पूछते हैं आयुर्वेद में अत्येक अवस्था है क्या,
अरे रक्त पित्त ये तो आत्यक अवस्था ही है, और इसमें रक्त पित्त मतलब सिर्फ रक्त बाहर निकलना ये नहीं है, शरीर में क्लेद बड़ा है, शरीर के पित्त के और रक्त के ऊष्मा से सारे धातुओं का द्रवांश खींच के शरीर के बाहर निकल जा रहा है, ये आत्यक अवस्था है। इसलिए इसको प्रशांत ही प्रतितव्यम, इसके शमन के लिए आपको तुरंत चिकित्सा करनी पड़ती है। वो कैसे करनी पड़ेगी? मात्राम देशम कालम अभिसमीक्ष, मात्रा देश और काल का अच्छी तरह से विचार करके संतर्पणे न अपतर्पणे न वा, अगर ऊर्ध्वगामी है सॉरी अधोगामी है तो संतर्पण करना पड़ेगा क्योंकि उसको वायु का अनुबंध है, और ऊर्ध्वगामी है तो उसमें अपतर्पण करना पड़ेगा क्योंकि उसमें चेष्मा का अनुबंध है। मृदु मधुर शिशिर तिक्त कषाय ही अव्यवहारी, क्या क्या औषधि गुण को औषध और आहार के गुण क्या होने चाहिए? मृदु होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, शीत होना चाहिए, तिक्त और कषाय होना चाहिए ऐसा आहार। और कर्म क्या क्या कर सकते हैं? प्रदेह परिषेक अवगाह संस्पर्श मतलब बाहर का अभ्यंग आदि या फिर कोई मुक्ता मणि आदि इनका स्पर्श, और वमनाद्य ही वमन विरचन तो बताइए, इससे अवहितेन, अवहित मतलब दत्त चित्त मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान रख के दत्त चित्त होके आपको चिकित्सा करनी पड़ेगी क्योंकि यह अत्येक अवस्था है। अब ये कहने के बाद भवंती छात्र फिर से जो गद्य में बताया है वो पद्य में बताते हैं। भवंती छात्र साध्यम लोहित पित्तम तद यदूर्ध्वम प्रतिपद्यते, जो ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकलता है वो रक्त पित्त साध्य है। क्यों? क्यों विरेचन से योग्य कि उसकी प्रतिमार्ग चिकित्सा है विरेचन, और विरेचन के बहुत सारे योग है, और विरेचन ये पित्त की प्रधान चिकित्सा है। विरेचनम योगित्वात बहुत्वात भेषजस्य च, उसके औषध बहुत है। विरेचनम तु पित्तस्य जयार्थे परम औषधम, विरेचन ये पित्त के शमन के लिए सबसे बड़ा कर उपक्रम है। यश्च तत्र अन्वयः श्लेष्मा तस्य तद अनधमम स्मृतम, अनधम इसका अर्थ है मध्यम। अब ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकलने वाले रक्त पित्त को श्लेष्मा ये अनुबंध है, और श्लेष्मा के लिए भी विरेचन ये एक मध्यम मार्ग की चिकित्सा है, मध्यम चिकित्सा है। प्रधान तो वो श्लेष्मा का वमन है, पर विरेचन एक मध्यम चिकित्सा है, इसलिए आप कर सकते हो। भवेत योगावहम तत्र, और इसलिए विरेचन द्रव चिकित्सा यहाँ पे योगावह है मतलब योग्य है। और मधुरम चैव भेषजम, और आपको मधुर तिक्त कषाय ये द्रव्य आप उपयोग में ला सकते हैं। तस्मात साध्यम मतम रक्तम यद ऊर्ध्वम प्रतिपद्यते, इसलिए जो साध्य ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त है वो साध्य है। आगे कहते हैं रक्तम तु यद अधोभागम, जो अधोगामी रक्त पित्त है तद याप्यमिति निश्चितम, वो याप्य है ये निश्चय से हम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिमार्ग से चिकित्सा वमन है, जो अधोमार्ग रक्त पित्त है उसकी चिकित्सा प्रतिमार्ग हरणम से वमन है। वमनस्य अल्पयोगित्वात, पर उसमें अल्पयोग है वमन के ज्यादा योग नहीं है इस अवस्था में, वैसे तो वमन के योग बहुत है, पर ये जो अवस्था है अधोग रक्त पित्त इसमें वमन के लिए बहुत कम द्रव्य है, और अल्पत्वा भेषजस्य च उसके द्रव्य भी बहुत कम है। वमनम ही न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठम उच्यते, वमन ये श्लेष्मा की प्रधान चिकित्सा है, पित्त के हरण के लिए वमन ये प्रधान चिकित्सा नहीं है, उसकी चिकित्सा विरेचन है। इसलिए और इसके साथ अधोगामी जो रक्त पित्त है उसको वायु का अनुबंध है, और तत्र यश अन्वयः वायु तत् शांतोच अवरम, और वायु के लिए वमन ये तो अत्यंत अवर चिकित्सा है, मतलब वमन से वात प्रशम होता है पर वो अवरता होता है। इसलिए ये जो वातानुबंधी रक्त पित्त है जो अधो मार्ग से जाता है उसमें हमें वमन चिकित्सा करनी पड़ती है, उसको औषध भी कम है, और जो अनुबंध है वायु उसकी वो अवर चिकित्सा है। तच्च अयोगावहम, इसलिए ये अयोगावह है, और यहाँ पे कषाय तिक्त ये रस सेवन करने पड़ते हैं, ऐसे कषाय तिक्त रस के वात प्रशमन करने वाले और वमन करने वाले द्रव्य बहुत कम है, इसलिए ये याप्य है, इसकी यापना करनी पड़ती है। और अनुलोमगम यश जो अधो मार्ग से जाता है वो याप्य है। अब आगे कहते हैं रक्त पित्तम तु यन मार्गो द्वौ अपि प्रतिपद, जो दोनों मार्ग से रक्त पित्त जाता है तद असाध्यम, वो असाध्य है क्योंकि पूर्वोक्तात एव कारणात, उसके कारण पहले बताया कि उसकी ना वमन कर सकते हैं ना विरेचन कर सकते हैं, और उसकी चिकित्सा भी नहीं है। नहीं संशोधनम किंचित अस्ति अस्य प्रतिमार्गम, प्रतिमार्ग से शोधन करने के लिए उसका ऐसा शोधन ही नहीं है, क्योंकि दोनों मार्ग से रक्त पित्त जा रहा है तो आप वमन भी नहीं कर सकते और विरेचन भी नहीं कर सकते,
इसलिए एक आगे सिद्धांत बताते हैं, प्रतिमार्गम च हरणम रक्त पित्ते विधीयते। आप अगर नोट्स निकल रहे हो या आपके सामने चरक है तो ये वाक्य के सामने एक शब्द लिख के रखिए, ये व्याधि का महिमना है। चक्रपाणि कहते हैं प्रतिमार्ग हरणम ये रक्त पित्त के व्याधि का महिमना है, मतलब चिकित्सा वैसे ही करनी पड़ेगी। एवं एव उपशमनम सर्वशा न अस्य विद्यते। अब दोनों मार्ग से अगर जा रहा है तो आप प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा नहीं कर सकते, और उपशमनम न अस्य और उसके उपशमन की चिकित्सा भी बहुत कम है। संसृष्टेषु च दोषेषु सर्वजित शमनम मतम। इसलिए संसृष्ट दोष, इसमें वायु मतलब दोनों मार्ग से कब जाएगा, रक्त और पित्त को, श्लेष्मा और वायु दोनों संसृष्ट है, दोनों का अनुबंध है, उसकी चिकित्सा बहुत अल्प है। और इति उक्तम इस प्रकार से ये अप्य है, ये असाध्य है। इसलिए इति अब तक क्या बताया, इति उक्तम क्या बताया, त्रिविधम उदरकम। उदरक का यहाँ पे अर्थ है अंतिम परिणाम या भविष्यकाल क्या है उसका। ये रक्त मार्गम विशेषता, एक तो तीन बकार बताए, साध्य याप्य और असाध्य, ये बताए। अब आगे कहते हैं एभ्यस्तु खलु हेतु ब्याह किंचित साध्य में सिद्धति। ऐसे कुछ हेतु है जो साध्य को भी असाध्य कर सकते हैं, ऐसे कुछ हेतु है। पहला है प्रेष्य, प्रेष्य मतलब परिचारक, परिचारक अगर दोष युक्त है तो होता है। दूसरा है उपकरण भाव, उपकरण भाव मतलब औषधि साधन, ये विकृत पद्धति से, ये अल्प है, मिल नहीं रहे या फिर खराब है। दूसरा है दौरात्म्यात, मतलब जो रुग्ण है वो दुरात्मा है, वो वैद्य का मानना का कहना मान नहीं रहा है या फिर जो मन में आए वो कर रहा है। और वैद्य दोषता, देखो चारों पादों का यहाँ पे वर्णन किया है, प्रेष्य मतलब परिचारक, उपकरण मतलब औषधि उपकरण, और दौरात्मा मतलब रुग्ण, और वैद्य दोष, अगर वैद्य का दोष है, वैद्य को अवस्था समझ में नहीं आई या वैद्य ने बिना सोचे समझे चिकित्सा लक्षण चिकित्सा कर दी, तो वैद्य के दोष से भी साध्य व्याधि असाध्य हो सकता है। इन चारों कारणों से साध्य व्याधि असाध्य हो सकता है। अकर्मतः साध्यत्वम कश्चित रोगो अतिवर्तते। ऐसे कुछ रोग है जिनमें चिकित्सा नहीं करना यही साध्य है, जैसे तिलक आलक नेच्छ व्यंग वगैरह है, इसमें प्राय चिकित्सा क्या कर सकते हैं, इसलिए उनमें अकर्मतः चिकित्सा, अल्प चिकित्सा से भी वो शांत होते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, तत्र असाध्यत्वम एकम स्यात् साध्य याप्य परिक्रमात्। इसलिए साध्य और याप्य अपना मार्ग छोड़ के या अपनी साध्यत्व या याप्यत्व छोड़ के असाध्यत्व को प्राप्त हो सकते हैं। ये कहने के बाद आगे का सूत्र है 23, 24, 25, 26, वो कहते हैं रक्तपित्तस्य विज्ञानम इदम तस्य उपदेश। आप रक्तपित्त का विज्ञान बता रहे, यद कृष्णम अथवा नीलम यदवा शक्र धनुष प्रवम। अगर रक्तपित्त जो निकल रहा है बाहर वो कृष्ण वर्णी है या नील वर्णी है या धनुष इंद्रधनुष के समान वर्ण का है। चक्रपाणि कहते हैं ऐसे वर्ण जब गंभीर धातु भी बाहर निकलता है रक्त के साथ अन्य धातु भी बाहर निकलने लगते हैं तब इस प्रकार का वर्ण आता है। प्रमेह के अंतिम अवस्था में भी इस प्रकार के वर्ण मिलते हैं। रक्त पित्तम असाध्यम तत् वाससो रंजनम च यत्। और जो रक्त पित्त वस्त्र पे आने के बाद उसका दाग मिटता नहीं है, उसका जो दाग आता है वस्त्र पे कितना भी धोए वो दाग वैसा का वैसा रहता है तो वो रक्त पित्त असाध्य है। भूभृशम पुति अति मात्रम, जो रक्त पित्त बाहर निकल रहा है उसको अत्यंत गंदा गंध जो है उसका अत्यंत गंदा है। और सर्व उपद्रव वच्च, और जो उपद्रव है श्वास का सातिसार दौर्बल्य अरोचक विपाक और सौरभेद, ये सारे के सारे उपद्रव उत्पन्न हुए। बल मांस क्षय, और व्याधि के साथ बल और मांस का अत्यंत क्षय हुआ है, ऐसा रक्तपित्त असाध्य है। येन च उपहतो रक्तम रक्तपित्तेन मानवः। इस प्रकार से जो उपहत रक्त मानव है वो अगर रक्तपित्त से युक्त मानव है वो अगर पश्चेत दृश्यम सारी दृश्य जो घटपटारी दृश्य जो है सब उसको लाल रंग का दिखता है, उसको सामने जो 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 वस्तु दिखाई देती है वो अगर लाल रंग की दिखाई देती है या वियत चापी, वियत मतलब आकाश, आकाश भी लाल रंग का दिखाई दे रहा है तो असाध्यम न संशया, तब वो रुग्ण असाध्य है, इसमें कोई संशय नहीं। तत्र असाध्यम परित्यज्य, परित्याज्यम जो असाध्य है उसकी चिकित्सा मत करिए। याप्यम यत्ने न यापयेत, जो याप्य है उसकी यत्न पूर्वक आपको यापना करनी है, यत्न पूर्वक करना, इसके लिए टीकाकार कहते हैं यत्नेन इति वचनात् याप्यम यापनम यत्नम विना न भवति। आपको प्रयत्न करना चाहिए,
रुग्ण जो याप्य अवस्था में है उसको यापना करते हुए आपको उसको प्रयत्न पूर्वक यापना करनी है। और साध्यम च अवहिता सिद्धैर भेषजैः साधयेद्भिषक्, और जो साध्य है उसको भी निगलेक्ट करना नहीं है। वैद्य के दोष से साध्य व्याधि भी असाध्य की तरफ जा सकता है, इसलिए साध्य में अवहिता मतलब दत्त चित्त एकाग्र चित्त से पूरा ध्यान रख के आपको सिद्ध भेषज से उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तत्र श्लोको कारणम नाम निर्वृत्ति पूर्व रूपाणी उपद्रवान, उसका कारण नाम की निर्वृत्ति पूर्व रूप उपद्रव दोनों प्रकार के मार्ग दोषा को अनुबंध और साध्यत्व साध्यत्व निदाने रक्तपित्तस्य व्याजहार पुनर्वसु पुनर्वसु ने इस रक्तपित्त का निदान इस अध्याय में पूरा वर्णन करके रखा। अब पुनर्वसु कैसे है उसका वर्णन करते हैं। वीत मोह रजो दोष लोभमान मदस्पृहा, वीत मतलब गत जिसका दोष निकल गए, जिनके मोह रजो दोष लोभ मान मदस्पृह ये इनके शरीर इनके मन से निकल गए ऐसे पुनर्वसु ने ये रक्तपित्त, इसका अर्थ क्या है। जहां जहां पुनर्वसु के विशेषण आते हैं वहां वहां हमें देखना चाहिए कि इस प्रकार के हेतु भी त्याग करने हैं हमें। इन हेतुओं से पित्त वृद्ध होता है और पित्त वृद्ध होने से रक्तपित्त की अगली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक परिसंस्कृते निदान स्थाने रक्तपित्त निदानम नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार के हमने अभी तक रक्तपित्त का निदान का अध्याय देखा। एक प्रश्न है रक्तपित्त स्रोतस के मूल यकृत प्लीहा में भी क्लिनिकल फाइंडिंग मिलेंगे क्या। हाँ मिलेंगे, मिलते ही है, इसमें भी क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलते हैं। रक्तपित्त मतलब सिर्फ रक्त बाहर निकलना नहीं है, सारे शरीर में क्लेद बढ़ा हुआ है, मधुर अवस्थापक बढ़ा हुआ है, अम्ल अवस्थापक बढ़ा हुआ है, इससे हेतुओं से पित्त वृद्ध है, रक्त वृद्ध है। दुष्ट पित्त ने रक्तों को दुष्ट किया, दोनों के ऊष्मा से सर्व शरीर के धातुओं से द्रवांश निकलता है और वो नजदीक के मार्ग से पित्त और रक्त को लेके बाहर निकल जाता है, इसको रक्त पित्त कहते हैं। ये आत्यक अवस्था है, इसके दत्त चित्त होके चिकित्सा करनी पड़ती है। यहां तक आज हमने रक्त पित्त का निदान का अध्याय पूरा अथ से इति तक पूरा पठन किया। कल हम 11 बजे गुलमर्ग का निदान का अध्याय पठन करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।